गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आशा करती हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और परिवार के साथ मज़े में होंगे तो चलिए आज एक अच्छी सी टेस्टी सी रेसिपी बनाते हैं और उसके लिए डालेंगे सरसों तेल में मेथी और जीरा का फ़ोरन और साथ में डालेंगे कच्चा मिर्च मैं हाथ से ही तोड़ कर डाल रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा काम हो गया है तो जो जैसे हो रहा है बस किए जा रही हूँ लेकिन रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी वीडियो को अंत तक देखना है आप लोगों को तो चलिए इस तरीके से मेथी जीरा और कच्चा मिर्च का फ़ोरन डाला और लगे हाथों गार्डन का भी बहुत सारा काम रहता है तो वो कर डालूंगी क्योंकि उधर भी झाड़ू लगाना रहता है और फूलों को भी देखना होता है ना सवेरे के टाइम में और कुछ पानी भी डालना होता है प्लांट्स में तो वो सब देखना है और इधर डाला मैंने भिंडी भिंडी की मैंने भुजिया भी काटी थी और सब्जी भी रात में काटा था तो बड़ी वाली बेटी बोली कि मम्मी सब्जी खाऊँगी तो मैं सोची कि ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो दे बताइएगा कि कैसा बना तो भिंडी बहुत तरीके से बनती है बट आज जो मैंने बनाया है ये बहुत टेस्टी लगेगी आप लोगों को तो इसमें भिंडी को जैसे और सब्जियों में हम बड़ा बड़ा काटते हैं बड़े बड़े टुकड़ों में वैसे ही काटेंगे तो इस तरीके से भिंडी को बड़े बड़े टुकड़े में काट ले और इसको थोड़ा सा चलाना है तो इस तरीके से सवेरे सवेरे तो जान ही रहे कितना काम रहता है और उसमें स्कूल भी जाना और स्कूल के लिए भी प्रिपरेशन करना एक बहुत बड़ी बात है तो संघर्ष किसके ज़िंदगी में नहीं है संघर्ष सभी के ज़िंदगी में है मैं भी बहुत सारा काम करती हूँ टीचिंग का भी काम करती हूँ यूट्यूब का भी काम करती हूँ ट्यूशन्स भी करती हूँ हस्बैंड के कोचिंग में भी मदद करती हूँ इस तरीके से मेरा सारा समय बिजी ही रहता है मैं कभी भी फ्री नहीं रह पाती बट मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ इफ़ आई एम बिजी आई एम हैप्पी तो इधर अब चलिए आलू को भी छील लेते हैं और आलू बहुत अच्छा है तो आलू को छील लेते हैं और बड़े बड़े टुकड़ों में आलू को काट लेंगे तो इस तरीके से थोड़ा भिंडी भी रहेगा और आलू भी रहेगा आप चाहे तो सिर्फ भिंडी का भी बना सकते हैं लेकिन मैं आज भिंडी में आलू मिला ही बनाऊँगी तो देखते हैं और क्या क्या इसमें रवि डालना है तो इस तरीके से आलू को काट लेंगे और मैं बता रही थी कि कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में संघर्ष नहीं नहीं ऐसा नहीं होता हर इंसान के ज़िंदगी में संघर्ष होता है किसी के ज़िंदगी में थोड़ा कम और किसी के ज़िंदगी में थोड़ा ज़्यादा बट होता है हम सभी इंसान संघर्ष करते हैं और संघर्ष में मज़ा भी है संघर्ष करने के कारण हम बहुत कुछ सीखते हैं तो इस तरीके से न जाने सवेरे उठते के साथ कितने सारे कामों को मैं करती चली जाती हूँ और साथ में पता ही नहीं चलता कि कब आठ बज गए फिर स्कूल जाना और फिर शाम में आना अब देखिए इधर आलू का छिलका है उसे मैंने क्या किया है निकाल लिया तो इस छिलकों को मैं एनिमल्स को दे दूँगी और ये मेरे गार्डन का फूल है जो मैंने अपने भगवान को चढ़ाने के लिए तोड़ा है कितना सुंदर लग रहा है ना तो अभी दुर्गा पूजा आने वाला है और रंग बिरंगे फूल मेरे गार्डन में खिले रहते हैं बहुत सुंदर लगता है इधर मैंने आलू को बड़े बड़े टुकड़ों में काट डाला है कहीं कहीं आलू का छिलका रह जाता है तो बट उसे कोई बात नहीं उसको थोड़ा हल्का निकाल लेना है नहीं भी निकले तो कोई बात नहीं तो इस तरीके से आलू के बड़े बड़े टुकड़ों को निकाल लेंगे तो इस तरीके से अगर संघर्ष है ज़िंदगी में तो मज़ा है तो इस तरीके से शाम में मैं चार बजे स्कूल से रिटर्न होती हूँ फिर उसके बाद हल्का सा बस रेस्ट करती हूँ समझिए ना के बराबर रेस्ट मुझे बिल्कुल नहीं ही मिलता उसके बाद हस्बैंड का कोचिंग रहता है उसमें भी मैं हेल्प करती हूँ उनका साथ में मैं मेरे पास कोई भी मैंने हाउस हेल्पर्स नहीं रखा है मैं सारे काम खुद करती हूँ तो इस तरीके से न जाने कितने काम करती आ रही हूँ मैंने बीएड भी किया है एम भी किया है और मैं प्राइवेट स्कूल में ही हूँ लेकिन अपने लाइफ से बहुत खुश हूँ कोई मुझे कोई परेशानी नहीं भगवान ने मुझे जितना दिया है मैं उसमें बहुत खुश हूँ तो इस तरीके से चलिए हमारे सब्जी का भी आ, अच्छा सब्जी बनेगा तो आलू के बड़े बड़े टुकड़ों को काट लिया और इस तरीके से का काट करके बनाने पर सब्जी बहुत अच्छा बनेगा अब इस आलू को क्या करना है ना बहुत अच्छे पानी से आप खूब साफ से धो लीजिए साफ पानी से धो लीजिए और इस तरीके से धोने के बाद इसको अच्छे से एकदम तल के निकालना है तो बहुत अच्छा हमारा ये सब्जी बनेगा तो इस तरीके से सुबह सुबह ना बहुत सारा काम रहता है और हाँ कल जो मैंने एक सब्जी बनाया था ना उसी का थोड़ा सा राजमा और मसूर और वो दाल बच गया था तो सोचा कि उसको भी थोड़ा सा प्रेस लगा दूँ तो वो भी मैं काम लगे हाथ कर लूँगी जिससे मेरा कुछ काम संपन्न हो जाएगा तो इस तरीके से कुछ कुछ काम चलता रहता है और स्लैब को मैं पोसती रहती हूँ हमेशा क्योंकि सवेरे में अगर ये गंदा रहा ना तो पता चलेगा कि काम न जाने कितना फैल गया और आलू हमारा कट चुका है इसको साफ पानी से दो तीन बार धो लेते हैं और धो के किसी यूटेंसिल में रख लेंगे तो इस तरीके से और जो पानी भी निकलता है ना चावल हो या दाल हो या सब्जी का हो मैं उसे गमले में ही डालती हूँ प्लांट में डालती हूँ और ये लगे तो देखा होगा आपने भिंडी है आलू का छिलका है रोटी है आलू के टुकड़े हैं मैं ये एनिमल्स को दे दूँगी और इधर हमारा भिंडी भुन रहा है तो इस तरीके से पूरा दिन मेरा व्यस्त रहता है और समय मेरा कटता चला जाता है बट आई एम वेरी हैप्पी दैट गॉड हैज़ गिवेन मी स्ट्रगल बट आई एम हैप्पी कि चलो मेरा समय कट तो रहा है क्योंकि समय अगर हमारा बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है इसका मतलब कि हम हमारा वर्क बहुत प्रॉपरली चल रहा है तो उसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद अर्पित करती हूँ और इधर भिंडी देखिए बहुत अच्छे से हमारा तल चुका है और इस भिंडी को किसी साफ थाली में निकाल लेना है तो वही निकाल रहे हैं तो इस तरीके से निकाल ले तो भिंडी अगर बहुत अच्छे से तल के निकालेंगे ना तो बहुत उसके बाद इसका सब्जी बहुत अच्छा बनेगा ये लस लस भी नहीं रहेगा और बहुत टेस्टी भी बनेगी इस भिंडी को भूजने में हल्का सा नमक डाल के भूजें तो उससे ज़्यादा अच्छा रखता है कोशिश करें कि मसाला भुने चाहे कोई भी सब्जी भुने ना तो थोड़ा उसको नमक डाल के ही भुनें उससे उस सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है फिर डाला हमने सरसों और वही मेथी और जीरा का फ़ौरन एक बार मैंने बताया था ना कि मैं एक फ़ौरन को कम से कम पंद्रह दिन या एक महीने यूज करती हूँ फिर चेंज करती हूँ अब इसमें डाला मैंने तेज़पत्ता लाल होने तक इसको बहुत अच्छे से भुनेंगे अब इसमें आलू के बड़े बड़े टुकड़ों को डाल देंगे और खूब अभी पहले फर्स्ट जो फ्लेम होगा वो पूरा तेज़ रखेंगे उसके बाद जब आलू थोड़ा अच्छे से हो जाएगा फ्राई तो फिर हल्का कम कर देंगे लेकिन तलेंगे बिल्कुल लाल करके और इधर लगे हाथों टमाटर प्याज हरी मिर्च एक ही टब में पानी मैंने दे दिया और उसके बाद इसी में इसके छिलके को उतार लेंगे प्याज पता नहीं हल्का हल्का काला जैसा अंदर से क्यों आई डोंट नो तो इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और साफ करके इसको अच्छे से जल्दी जल्दी काट लेना है तो इस तरीके से क्या होता रहता है कि उधर भी कुछ कुछ काम होता रहता है और इधर भी मैं काम करती रहती हूँ मतलब कई बार बेडरूम में जाना डाइनिंग हॉल में जाना कभी पीहू को उठाना तो कभी पर्दा कभी ताला खोलना तो कभी फूल तोड़ना कभी बिस्तर सरियाना मतलब लगभग समझिए ना कि सवेरे एकदम लगता नहीं रहता है कितना काम है और ब्लॉग मैं नहीं दे पा रही हूँ कुछ दिनों से क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूँ और फिर कल से ना एग्जामिनेशन स्टार्ट है हमारे स्कूल में तो मैं बहुत बिजी हो जाऊंगी, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं ज़रूर अपना जो भी मेरा दिनचर्या रहता है मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगी और बाद, बाद में बहुत सारे वीडियोज़ मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ भी अपलोड करूँगी अभी टाइम नहीं मिल रहा है तो क्या लेकिन मैं पूरा शेयर करूँगी कि मैंने कैसे कैसे बी एड किया एम एड किया और मैंने कैसे ब्रिज कोर्स भी किया तो वो सारा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए तो इस तरीके से बहुत ही कम उम्र से मैंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है टीचिंग में तो इस तरीके से कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता चाहे वो यूट्यूबर्स हो चाहे कोई बिजनेसमैन हो चाहे मतलब स्कूल का काम करते हो कोई भी काम मेरा कहने का मतलब है कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता सभी काम अच्छे होते हैं हमारा उद्देश्य है सही होना चाहिए हमारा काम करने का तरीका सही होना चाहिए और इधर लगे हाथों प्याज को मैंने काटा बहुत बारीक काटने की कोई ज़रूरत नहीं आपको जैसी सुविधा हो वैसा काटें क्योंकि खाना का मेन होता है कि खाना बहुत प्यार से बनता है बहुत अच्छे अच्छे से बनाइए मन से बनाइए तो वो खाना टेस्टी बनना ही बनना है क्योंकि अगर हम मन से खाना नहीं बनाते तो फिर वो खाना अच्छा नहीं बनता इस तरीके से प्याज और टमाटर को बड़े बड़े टुकड़ों में हमने काट लिया और सही में ये सब्जी बहुत अच्छे बनेगी बस एक बात ये का ख्याल रखना है कि टमाटर जब भी आप दीजिए तो सब्जी में एकदम लास्ट में दीजिए क्योंकि अगर आप बीच में डालेंगे ना तो सब्जी अच्छे से आपकी सीझेगी नहीं गलेगी नहीं और मिर्च मिर्च के टुकड़ों को भी बड़े बड़ा टुकड़ा मैंने काट लिया है और डाल दिया है तो इस तरीके से देखिए लहसुन का भी पेस्ट का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है तो आप लोग उस पर जाके देख सकते हैं और इस तरीके से ये लगभग पाँच छः दिन का मेरा तैयार है तो मुझे परेशानी नहीं होगी और इस लहसुन में गो लहसुन में ना थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च मिला हुआ है लहसुन जीरा मिला हुआ है तो ये सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और इधर देखिए आलू का कलर कितना अच्छा है इसको एकदम डार्क ब्राउन करके भुनना है एकदम लाल होने तक भुनना है ना तो बहुत अच्छा लगेगा और इस तरीके से थोड़ा सा आप इसमें प्याज डालेंगे तो लगभग बहुत सारा बहुत सारा काम इसी तरीके से होता रहता है ये नहीं कि मैं सब्ज़ी बनाती रहती हूँ तो सब्जी के पास ही खड़ी रहती हूँ हाँ ये ज़रूर है कि फ्लेम मैं कम तेज़ करती रहती हूँ और लगातार इधर कुछ कुछ काम करती रहती हूँ रात में भी आयरन नहीं कर पाती तो मैं सुबह ही सूट पर आयरन करती हूँ तो वो भी इसी सब के बीच में करती हूँ मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे ही करती हूँ और इधर देखिए प्याज के बड़े बड़े टुकड़ों को मैं कैसे सब्जी में डाल रही हूँ और पता है सब्जी देख ही बड़ी वाली बेटी या छोटी भी आती है तो बोलती है मम्मी कैसे सब्जी तुम बनाती हो सब्जी बहुत टेस्टी बनती है तो मैं बोलती मैं तो कुछ नहीं करती <laughs> बस तुम लोग बोलती हो और मैं बनाती हूँ तो इस तरीके से लहसुन पेस्ट भी डाल डाला प्याज़ डाला और अभी टमाटर नहीं डालेंगे और इसको अच्छे से भुनेंगे और सब्जी अच्छा से भुनने से ना ठीक रहता है और कहने का मतलब जब आपको लगे कि तेज़ थोड़ा फ्लेम करना है तो तेज़ करे और जब लगे जल रहा है तो थोड़ा सा फ्लेम को कम कर दे अभी देखिए फ्लेम को मैंने कम कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ करिएगा ना तो उससे सब्जी जलने का चांस रहता है और इधर एक छोटे से यूटेंसिल में मैंने ये बेसन लिया है तो अभी जो सब्जी बना रहे हैं ये बहुत अच्छी बनने वाली है और इसमें दही डाल के इसको अच्छे से फेंट देंगे इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसमें एक चीज़ और डालेंगे वो है हल्दी हल्दी भी डाल देंगे और इस सभी को बेसन हल्दी और दही को अच्छे से ही मिला लेना है तो चलिए किसी स्पून की मदद से इसे अच्छे से मिला लेते हैं और देखिए कितना अच्छा कलर है तो ज़रूरी नहीं कि कोई सब्जी को किसी एक ही तरीके से बनाए ये अपना आइडियाज़ होता है कि हम कैसे सब्जी को बनाएं तो चेंज करते रहना चाहिए और इसे डाला आलू प्याज हरी मिर्च और मेथी जीरा तेज़पत्ता के फ़ौरन के साथ ये हो गया मिक्स और अब तो इसका कुछ कहना ही नहीं इसको बहुत अच्छे से थोड़े देर तक बिल्कुल भुनना है ताकि बहुत अच्छा सा ये ग्रेवी इसका हो तो इधर देखिए इस पानी को भी इसमें मिला लेना है फेंकना नहीं है और इसको फिर हम इसी इस मसाले में यूज़ कर लेंगे और अब इसको अच्छे से भुनेंगे ढक ढक के भुने या फिर कम फ्लेम में भुने बट पेशेंस के साथ भुने और अपना कुछ कुछ काम करते रहें इस तरीके से सब्जी बहुत अच्छी बनेगी तो मतलब कहने का मतलब मेरा है कि मैंने भी ज़िंदगी में स्ट्रगल की बात आप लोगों को बता रही थी तो बहुत मैंने किया लेकिन अब थोड़ा चाहती हूँ कि नहीं थोड़ा सा ज़िंदगी में कुछ आराम करूँ बट वो नहीं हो पाता फिर भी रिलैक्स है पहले से ज़्यादा और ये जो अभी मैंने मसाला डाला है ये धनिया मसाला है इसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है तो इस मसाले में गोल मिर्च है लाल मिर्च पड़ा हुआ है तेज़ है तो इस तरीके से और धनिया धनिया खड़ा धनिया है तो ये सब्ज़ी की खुशबू बहुत अच्छी आती है और इधर मैंने डाला इसमें धनिया पाउडर और थोड़ा सा डाला सब्जी मसाला मैंने मैं कैच का भी यूज कर रही हूँ आप चाहे तो दूसरा भी यूज कर सकते हैं और ये रहा दो लौंग तो इसका खुशबू भी बहुत अच्छा आएगा तो इस तरीके से ना सब्जी में कुछ कुछ मसाला मैं होममेड मसाले का भी यूज़ करती हूँ और कुछ रेडीमेड मसाले का भी यूज़ करती हूँ तो होममेड मसाला है ना तो उसको आप संडे के संडे तैयार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा और ये इधर देखिए दो छोटी इलायची है ये मैं डालूँगी तो पता ही है सब्जी का खुशबू कितना अच्छा आने लगेगा ये देखिए इलायची को मैंने अच्छे से निकाल लिया है और इसको छिलको छिलका जो है ना इसको भी नहीं फेंकना है उसको भी सब्ज़ी में डाल देना देखिए मैंने डाला अब इसको अच्छे से चलाया और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना तो थोड़ा सा चेंज हो गया जैसे कि जनरल जो भिंडी हम लोग के तरफ बनता है ना मैं तो मतलब कि मिथिला भाषी हूँ तो हमारे तरफ जो भी सब्जी बनता है ना भिंडी का तो जैसे मछली के का मसाला पड़ता है ना सरसों वाला वैसे ही हम लोग देते हैं बट ये इस तरीके की जो भिंडी है ना ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है तो मैं ये बनाती हूँ और देखिए कितना पेशेंस है मेरे पास हल्का हल्का पानी देके इसको भूनेंगे अगर आप बहुत हर बरी में बनाइएगा ना तो ये सब्जी टेस्टी नहीं बनेगी आपकी तो इस तरीके से थोड़ा पेशेंस रखना है क्योंकि दही इसमें अच्छे से घुल मिल जाना चाहिए मसाले जब घुलते हैं मिलते हैं सब्जी सब जब घुल मिल जाती है तो ऑब्वियसली है अच्छा बनेगा ही बनेगा है ना तो चलिए कलर देखिए कलर बहुत अच्छा आ चुका है और इसको भूनते रहना है एकदम काम भी करते रहना है और सब्जी को भुनते भी रहना है तो इस तरीके से चलता आ रहा है और कल से एग्ज़ामिनेशन है तो वही समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या क्या करूं बहुत थकान हो जाती है और मेरे मेरा वीडियोज़ मैं सुबह में नहीं अपलोड कर पाती बस फ्लावर्स का ही कर पाती हूं और कोई बड़ा वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाती रीज़न ये रहता है कि मैं तो उस टाइम में स्कूल में रहती हूँ तो मेरा जो स्कूल का टाइमिंग है वो है आठ बजे से लेकर के ढाई बजे तक का क्योंकि मुझे पहले वहाँ पहुँचना होता है तो इस तरीके से समझिए कि कितना समय मेरा पूरा दिन का समय तो स्कूल में ही चला जाता है तो फिर मेरे पास जो भी टाइम बचता है वो शाम का बचता है और जो मैं सूट करती हूँ थोड़ा बहुत सवेरे में रेसिपीज का तो वही आप लोगों से शेयर कर पाती हूँ और संडे को कुछ अगर होता है तो मैं ब्लॉग दे पाती हूँ तो इस तरीके से हमारी सब्जी बहुत अच्छे से भून रही है तो चलिए इसको अच्छे से चला लेते हैं बहुत ज़्यादा नहीं लगने देना है नहीं तो सब्जी में तीतापन आ जाएगा और इस तरीके से सब्जी को अच्छे से खूब बढ़िया से चला लेना है तो अब कल से तो रहेगी पूरा कल से मेरा बिजी रूटीन रहेगा अब लगता है कि थक जाऊंगी तो फिर और भी वीडियोस बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे वही सोच रही हूँ फिर देखती हूँ कैसे जैसा जो होगा क्योंकि थकान एक ऐसी चीज़ होती है जो समझ ही नहीं आता कि उसके बाद क्या कर कुछ कभी कभी तो ऐसा लगता है इतना थक जाती हूँ ना कि कुछ समझ ही नहीं आते रहता है कि क्या होपलेस जैसा लगता है लेकिन फिर एक पॉजिटिव एनर्जी आता है कि नहीं नकारात्मक चीज़ों का प्रवेश नहीं होना चाहिए तो फिर मैं उन चीज़ों को हटाती हूँ अपने अंदर से अब देखिए सब्जी में थोड़ा सा पानी डाला है अब इसको अच्छे से चलाते रहना है तो इस तरीके से ना भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी तो थोड़ा सा हट हट के बनाना है भिंडी का भुजिया तो सभी बना लेते हैं फिर भिंडी का तल के भी जो सरसों वाला होता है वो भी बना लेते हैं लेकिन बेसन में डाल के बनाने से अच्छा होता है और इधर ये देखिए वही दाल जो रह गया था तो मैंने इसमें टमाटर के बड़े बड़े टुकड़े डाल दिए थोड़ा हरा मिर्च डाल दिया है और इसमें कुछ मसालों को मिला देना है जिसमें कि खड़ा धनिया का जो मैंने होममेड मसाला बनाया था गोल मिर्च पाउडर देके लाल मिर्च पाउडर देके वो डाल देंगे थोड़ा हल्दी डाल देंगे थोड़ा सरसों तेल डाल देंगे जिससे उफ़रे नहीं और पानी डाल देंगे नमक डाल देंगे इसके बाद इसको सेट कर देंगे इस तरीके से और ये जग देख रहे होंगे आप लोग तो इस जग का यूज़ ना पहले तो इसमें एक में ऑयल रखती थी और एक में रिफाइंड रखती थी फिर अब उस जब वो ऑयल कंटेनर मैंने ले लिया तो अब सुविधा होती है तो इसमें मैं पानी रख लेती हूँ तो अच्छा रहता है तो देखिए कश्मीरी मिर्च डाल दिया नमक डाल दिया टमाटर हरी मिर्च डाल दिया अब इसमें इसका बहुत अच्छा लगने लगेगा और ये बहुत अच्छा बनेगा एज ए तड़का समझिए प्रेशर कुकर के लिट को लगा दिया कपड़े कपड़े से अच्छे से पोछ लेंगे और इसे इस प्रेशर कुकर को गैस पर रख देते हैं चलिए अब ये होता रहेगा अपना इधर वो भी काम होता रहा है इधर सब्जी भी बनेगी फिर बीच में जाके मैं आटा भी सान लूँगी और कपड़े में आयरन भी कर लूँगी जब तक सब्जी ये होगा और इस तरीके से सब्जी अब देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है ना खोल रहा है सब्जी तो बहुत अच्छा कलर आ रहा है तो इस तरीके से है ना कि सवेरे में मैं एक काम के साथ न जाने कई का काम करते रहती हूँ और फिर उधर कभी मोबाइल चार्ज में लगाना <laughs> फिर उसके बाद स्कूल से मैसेज भी आते रहता है कुछ कुछ मतलब मैसेज हमेशा कुछ ना कुछ आते ही रहता है तो वो बच्चे को फॉरवर्ड करते रहती हूँ और फिर बैग सरियाना फिर बैग में लंच बॉक्स जब प्रिपेयर होता है वो रखना बॉटल रखना फिर तो स्कूटी स्टार्ट करके स्कूल भी बहुत दूर है तो मतलब जाने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है और कभी कभी तो रिटर्निंग के टाइम में मन भी नहीं करता करता रहता स्कूटी चलाना चलाने का स्कूटी भी मैंने बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ बस मेरे ख़्याल से एक साल हुआ होगा मैंने सीखा है कभी कभी डर लगता है बट हिम्मत नहीं हटती क्योंकि रिक्शा का ना बहुत ज़्यादा फेयर लग जाता था तो इसीलिए सोचती हूँ कि नहीं स्कूटी से ही जाऊँ क्योंकि उतना फेयर देना संभव नहीं मेरे लिए तो इसलिए और इस तरीके से फिर अब देखिए भिंडी और आलू में हल्का सा मैंने अब पानी डाला और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना अब इसको क्या करेंगे ना इसको ढकने ढक देंगे और उसके बाद थोड़ा देर पकने देंगे इसको अच्छे से तो इस तरीके से हमारी सब्जी आप जितना पानी रखना चाहें आप उतना रख सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा है ना कि सबके घर में खाने का तरीका अलग होता है तो मेरे बच्चों को ग्रेवी वाली सब्जी बहुत अच्छी लगती है और उस लोगों को पतला ही ग्रेवी सब्जी मतलब तो जो रसदार सब्ज़ी कहते हैं वह वैसा ही अच्छा लगता है तो मैं ज़्यादा नहीं कम पानी में नहीं बनाती हल्का थोड़ा देती हूँ पतला रस रहता है ना तो पराठा या पूरी या रोटी के साथ उस लोगों को बहुत पसंद है तो इस तरीके से मैंने इसमें डाल दिया और अब इसको क्या करेंगे अच्छे से ढक देंगे और ढक के कुछ देर पकने देंगे तो यही चलता रहता है जो कुछ कुछ बात आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ क्योंकि अभी ब्लॉग तो नहीं बना पाती तो सोचती हूँ कि रेसिपीज के साथ ही कुछ अपना अपने दिल की जो बातें हैं आप लोगों को बताऊँ तो इस तरीके से मतलब अगर कोई कहता है कि नहीं आप ही के ज़िंदगी में संघर्ष तो इस बात को मैं उचित नहीं मानती सभी के ज़िंदगी में संघर्ष है सभी कही न, कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं तभी आगे बढ़ते हैं ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो बिना स्ट्रगल के मेरे मेरे ख्याल से तो चलिए अब इस सब्ज़ी में टमाटर के टुकड़े को डालेंगे ये टमाटर का टुकड़ा मैंने छोटा छोटा काटा था तो इसको डालेंगे और फिर क्या करेंगे ना फाइनली एक बार फिर टमाटर का टुकड़ा डालेंगे तो उसको दूसरे सेप में लंबा लंबा मैंने काटा है तो वो डालेंगे तो बहुत अच्छा आएगा इस सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा अब इसको फिर पकने देते हैं थोड़ी देर और देखते हैं कि फिर इसका कलर कैसा आया तो इस तरीके से बस चल रहा है और कल से अब देखते हैं कि क्या होगा कल से तो थोड़ा सा बच्चे डिस्पर्सल के टाइम में थोड़ा रहता है भीड़ बहुत ज़्यादा क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में तो सारे बच्चे प्रेजेंट रहते हैं तो भीड़ बहुत रहती है तो उसमें ड्यूटी थोड़ा हार्ड हो जाता है और धूप निकलती है तो और ज़्यादा हो जाता है इस तरीके से देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा लग रहा है ना तो ये देखते ही ना सब्जी जैसे ही अच्छा बनता है ना तो भूख सभी की बढ़ जाती है तो घर का खाना तो द बेस्ट होता ही है और मैं बाहर का खाना प्रेफर भी नहीं करती बजने मना मेरे बच्चे करते हैं कभी कभार हमेशा नहीं और इधर देखिए सब्जी बन के तैयार है कितना अच्छा लग रहा है ना तो इस तरीके से टमाटर सबसे लास्ट में डालना चाहिए और इस तरीके से सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छी बहुत टेस्टी बन गई तो इस तरीके से सब्जी बनाए घर पे और परिवार के साथ मिलकर खाएं और ये सब्जी हमने निकाल दिया तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग